देखो बेटा, इंटीग्रेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट का एक अच्छा चैप्टर है इंटीग्रेशन। तो बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन क्या है कि इंटीग्रेशंस के बेसिक्स क्या हैं, पहले आज हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें। वैसे इंटीग्रेशन क्या है, अगर हम वर्ड इंटीग्रेशन की मीन्स समझें तो इंटीग्रेट मीन्स क्या होता है, सम करना। इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, सम करना। अगर आप सोशल स्टडी या की लैंग्वेज समझे तो इंटीग्रेशन में भाई इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, आपको सम अप करना, एक साथ कर किसी चीज़ को करना, ठीक। तो अभी क्या है कि अब वो सोशल लैंग्वेज की तो हम यहाँ यूज़ बात करेंगे नहीं कि इंटीग्रेशन को आप सम किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो एक बहुत छोटा सा एक सिंबल हम लेते हैं इस तरीके से इंटीग्रेशन के लिए, ये सिंबल होगा। इस सिंबल को ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर, ठीक। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होगा इस तरीके से, इसको हम पढ़ेंगे ऑपरेटर। एक छोटी सी बात है, इंटीग्रेशन क्या होता है कि एक तरीके से डिफरेंशिएशन का रिवर्स ऑर्डर होता है। इंटीग्रेशन क्या है, एक रिवर्स ऑर्डर है। किस तरीके से रिवर्स ऑर्डर है, सपोज करो अभी हम क्या करें कि हम डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स निकाल लें, तो हमको क्या मिलने वाला है, कॉस एक्स। अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको क्या देने वाला है, कॉस एक्स। अब आप उल्टा सोचो, अब आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो हमने आपको पहले बताया था इंटीग्रेशन में इस तरीके से साइन बनाएंगे और डी एक्स ऐसे लिख देंगे, dx भी लिखना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन में इस तरीके से रहेगा, इंटीग्रेशन एंड dx। तो अब हम cos x dx यानी cos x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमको मिलने वाला है sin x प्लस c। एक छोटी सी बात हमने यहाँ पे पढ़ी कि अगर हम अगर sin x का डिफ्रेंशिएशन करें cos x और cos x का इंटीग्रेशन करें तो हमको मिलेगा sin x। फिर से हम इसको समझते हैं, एक हम दूसरा ले रहे हैं डी अपॉन डी एक्स, सपोज करो ई की पावर एक्स का ले रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो हमको देगा ई की पावर एक्स ही देगा। अब ई की पावर एक्स का हम क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो ई की पावर एक्स का जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या देगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आ गई, यही चीज़ आ जाएगी जो सामने लिखी हुई है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि बेसिकली जो इंटीग्रेशन है ये रिवर्स ऑर्डर है। डिफरेंशिएशन आपको मिला, डिफरेंशिएशन का जो आपको चीज़ मिली है यानी कॉस एक्स मिला, इसका इंटीग्रेट किया तो फिर से हमको वही चीज़ मिल गई, और साथ में प्लस सी, ये सी भी चलता रहेगा। एक और हम देखते हैं, सपोज करो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वो हमको मिलेगा 2x। अब आप 2x का अगर इंटीग्रेशन करें, 2x dx लिखेंगे ऐसे साइन बनाएंगे, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हर क्वेश्चन में यानी इंटीग्रेशन जहाँ जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ पे c एक ऐड होके आ रहा वर्ड, तो अभी हम उस पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब हम इसी में और कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे cos x का आपने इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या मिला, sin x मिला, sin x प्लस सी। इसको क्या थोड़ा और अच्छे समझते हैं, इन चीज़ों को हम रफ कर देते हैं, ठीक। इसको रफ कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से, बहुत ध्यान से देखना। कॉस एक्स का आपने इंटीग्रेशन किया, आपको मिला साइन एक्स प्लस सी, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर, और जिसका आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड कल बोलेंगे, और जो आपको मिल रहा है वो होता है इंटीग्रल, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, और इसको प्रिमिटिव भी बोला जाता है, प्रिमिटिव। ये जो सी है इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। ये जो डी एक्स है, ये डी एक्स है, इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इस डी एक्स को क्या बोलेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब क्या है, यहाँ डी वाई भी हो सकता है, यहाँ डी थीटा भी हो सकता है, यहाँ डी टी भी हो सकता है, यहाँ डी जेड भी हो सकता है, तो ये बदलता रहेगा। ये बात समझ में आ गई, एक बार हम फिर से इसको बात कर रहे हैं। ये हमने लिखा कॉस एक्स डी एक्स, हमको मिला साइन एक्स प्लस सी, तो ये इस कॉस एक्स को बोलेंगे इंटीग्रेंड, डी एक्स को बोलेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आपके डी एक्स की जगह डी थीटा डी वाई डी जेड डी टी कुछ भी हो सकता है। जो हमको मिल रहा है साइन एक्स, इसको बोलेंगे इंटीग्रल बोलेंगे,
इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलेंगे, इसको प्रिमिटिव भी बोलेंगे। और ये सी है, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक ना। ये हमारा जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन, इसको ऑपरेटर भी बोलते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब सपोज करो आपसे हम कहें कि ई की पावर एक्स का प्रिमिटिव बताओ, तो एक नई वर्ड आ गई तुम्हारे लिए कि ई की पावर एक्स का प्रिमिटिव बताओ। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ कि जो आपको फंक्शन दे रखा है सीधे सीधे आप उसको इंटीग्रेट कर दो। तो ई की पावर एक्स का प्रिमिटिव हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि साहब 2x का प्रिमिटिव क्या होगा, तो 2x का प्रिमिटिव क्या मिलने वाला हमको, एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलने वाला। यानी आप सीधे सीधे उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें, वही आपका प्रिमिटिव आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें तुम्हें समझ में आई। अभी हम c की बात नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना हर जगह c ऐड हो के आ रहा है, तो वो उस c का क्या मीनिंग निकल गया है उसको भी हम थोड़ी देर बाद आपको डिस्कस करेंगे।